वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। अभी हमारे पास है टाटा टैगोर का सीएनजी वाला मॉडल और इसमें लगाने वाले हैं तीन चार कार एसेसरीज। बेसिक कार एसेसरी दिखाते हैं आपको टैगोर सीएनजी के लिए। एक तो इसमें अभी कर्टेन लगाते हैं, उसके अलावा इसमें सीट कवर लगा रहे हैं जिसकी डिटेल वीडियो भी आपको मिलेगी। ये नॉर्मल सीट कवर है, लगने के बाद आप इसकी फिटिंग देख सकते हो। ये नाप्पा वाला जो रैगजीन आता है, नाप्पा लेदर जिसको बोलते हैं, उसमें बने हुए हैं और नॉर्मल है, यानी बकेट नहीं है, लेकिन फिटिंग आप फिर भी देख ही सकते हो इनकी नॉर्मल होने के बाद भी कैसी आ रही है इसमें। इसके अलावा एक इसमें आपको कार का जो वुडन आर्मरेस्ट आता है प्रॉपर वो लगा के दिखाते हैं, और उसके अलावा एक जो फिक्स कर्टन जो आते हैं हाफ वाले वो लगा के दिखाते हैं कि इनकी फिटिंग आपको कैसी मिलेगी। चलिए सबसे पहले आपको आर्मरेस्ट लगा के दिखाते हैं, फिर कर्टन और फिर बात करते हैं सीट कवर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। टाटा टियागो और टाटा टैगोर का जो सेंटर कंसोल है वो सेम होता है, कोई भी मॉडल हो किसी भी गाड़ी का, चाहे वो सीएनजी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, कुछ ऐसा सेंटर कंसोल आपको मिल जाता है। टियागो और टैगोर में दोनों में ये बिल्कुल ऐसा ही सेम मिलेगा, और इसके ऊपर ही ये रखना होता है खाली। ये वाला मॉडल जो आप इसमें देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर है, ये कुछ ऐसा होगा देखने में, और ये बिल्कुल मैच हो जाएगा जो गाड़ी का इंटीरियर रैगजीन कर रहे हो उससे, यूं का यूं। और इसके अंदर होता है सामान वगैरह रखने के लिए कुछ स्पेस यहाँ पे अच्छा खासा। तो आप इसको टाटा टियागो टैगोर के किसी भी मॉडल में सेम इसी वाले प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो। चलो आपको एक बार रख के दिखाते हैं लगाने का इसका जो तरीका है वो। सेंटर कंसोल के ऊपर खाली आपको इस तरीके से इसको रखना है यूं, और ये रखते ही बिल्कुल अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। इसके अंदर और कुछ नहीं करना होता, कुछ ऐसे करके इसमें। और हैंड ब्रेक आप देख ही सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी, बिल्कुल आराम से इसमें ऐसे बचा हुआ है हैंड ब्रेक इसका, आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। और बैक साइड से एक बार व्यू दिखा देते हैं आपको इसका, और फिट हो जाएगा बिल्कुल। इसका बैक साइड से आपको व्यू दिखा देते हैं एक बार कि बैक साइड से ये कैसा लगेगा। बिल्कुल कवर हो गया है अच्छे से, ये सीट अभी आगे हो रही है पूरी और पीछे आएगी, ये यहाँ तक का ये पूरा आ गया है इसने। लेकिन जो इसका पीछे का ये ग्लास होल्डर है, ये इसका यहाँ पे आके रुक जाएगा इसके अंदर, तो ग्लास होल्डर इसमें फिर आप यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन आर्मरेस्ट कैसा लग रहा है ये आप इसमें देख ही सकते हो। सेम यही होगा टियागो टैगोर दोनों गाड़ियों में, कोई भी गाड़ी हो। ये अभी ICNG में लगा रहे हैं हम, जो नया वाला मॉडल है इसमें, कुछ ऐसी होगी इसकी ओवरऑल फिटिंग, ये आप देख ही सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट दिखाते हैं आपको इसका, जो है इसके कार फिक्स कर्टन जो आते हैं हाफ वाले, वो अलग अलग आते हैं, टियागो के भी अलग हैं, टैगोर के भी अलग हैं, वो आपको इसमें लगा के और रख के दिखाते हैं। तो ये है भाई इसके फिक्स वाले हाफ कर्टन, हाफ फिक्स कर्टन जिसको बोलते हो, एक बार रख के आपको दिखा देते हैं। ये टियागो टैगोर दोनों के अलग होंगे जैसा कि आपको पहले भी बताया था, और फिटिंग का जो तरीका है वो इनका काफ़ी सिंपल होता है। लगाइए सर, एक बार आपको लगा के दिखाते हैं इसको कि आप इसको खुद से कैसे लगा सकते हो। बहुत सिंपल होता है, खाली बिल्कुल प्रॉपर मॉडल के हिसाब से आपको मिलेंगे ये, और कुछ इस तरीके से इसको आपको फिट कर देना है। इसमें हल्का सा ये बैंड होगा और इस तरीके से ये इसमें फिट हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर होगा। साइज आप इसका देख ही सकते हैं, ये जो है साइड ग्लास देखने के लिए इसमें जो जगह है वो यूं की यूं बसती है। या तो आप जैसे पार्किंग स्लिप वगैरह आपको लेनी देनी है ना, तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो, और फिटिंग आप इसकी देख ही सकते हो। निकालने का तरीका भी सिंपल है, पहले आपको बैक साइड का लगा के दिखाते हैं इसमें कि बैक साइड वाले की फिटिंग इसमें जो है वो कैसी आएगी। क्वार्टर ग्लास नहीं होगा किसी भी गाड़ी के अंदर, क्वार्टर ग्लास अगर होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, क्वार्टर ग्लास के अलावा इसमें बिल्कुल ये पूरा होगा। लगाने का तरीका इसका भी वही है, कुछ इस तरीके से आपको इसको फिक्स कर देना है, और बिल्कुल 100% प्रॉपर होगा, आप इसको देख ही सकते हैं। निकालने का तरीका अगर आप देखें तो कैसा होगा, खाली हल्का सा उसको बेंड करना है और वो बाहर आ जाएगा उसमें से। ऐसे ही आगे वाले के अंदर भी सेम यही होगा, और आपको इस तरीके से इसको ऐसे यहाँ से आप इसको पकड़ के मोड़ेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है, विजिबिलिटी का डिफरेंस आप दोनों का देख ही सकते हैं इसमें कि दोनों में कितना डिफरेंस आ गया है यहाँ से और यहाँ से। और ये तो अंदर की तरफ से है, बाहर की तरफ से तो बिल्कुल गायब हो जाता है। इसका चलान हो सकता है, ये लीगल नहीं होता, लेकिन चलता है ज़्यादातर स्टेट के अंदर, इस चीज़ का चलान नहीं कटता। ज़्यादा चेकिंग अगर हो रही हो तो आप इनको निकाल सके रख सकते हैं आराम से, तो उसमें फिर चलान की कोई संभावना ही नहीं रहती। तो आपको ये वैसे किसी भी गाड़ी के लिए मिल सकते हैं, ये है टाटा टैगोर के लिए, किसी भी मॉडल में चल जाएगा। अभी हम लगा रहे हैं ICNG में, ये वाला जो आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा इसमें सीट कवर आप देख ही सकते हैं, ये वाली फिटिंग है, इसकी डिटेल्ड वीडियो अलग से आपको मिलेगी चैनल पे, और बाकी जो कार एसेसरीज और कार रिव्यूज़ की डिटेल वीडियो आप चैनल पे देख ही सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।